हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि तेलान पर। और सुबह सुबह उठते सारा काम कर चुकी, ब्रेकफास्ट करा चुकी और चाय वाय पी ली हम लोगों ने। अब जो है मैं कहीं जाने की तैयारी में हूँ। अभी आरओ वाला ठीक करने आया था, वो ठीक करके गया है। ठीक कर रहा है मेरे ख्याल से, अभी ठीक कर ही रहा है, गया भी नहीं है। और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। ब्रेकफास्ट मम्मी भी कर चुकी है, मैं भी कर चुकी हूँ, और वो आई थी काम वाली आती वो भी कर चुकी हूँ। काम कर चुकी सारे ही काम हो चुके हैं। अब मेरे को एक बार जाना है मेहरोली, मेहरोली के लिए तैयार हो जाऊँगी। आरओ ठीक करवा दिया आज। ये टैप जो इसकी ख़राब हो गई थी, ये पानी इसका टपकता रहता था, और ये ठीक कराइए। इसकी कैंडल भी चेंज करवाइए, क्योंकि काफ़ी सालों से इसकी कैंडल चेंज नहीं हुई थी, और अभी करवाइए। और अब पानी इसमें से साफ आने लगा, साफ़ सुथरा हो गया ये। और टैप तो खैर पता नहीं कैसे लूज हो गई थी, उसमें से पानी टप 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 पकड़ के चलता रहता था कई दिनों से। जिस दिन से मैं आई उसके दो दिन बाद ये शायद ख़राब हो गया था, और उसके बाद से अभी तक ऐसे ही चल रहा था। बाल्टी मैंने इसके नीचे रख रखी थी, लेकिन आज ये कम्प्लीटली ठीक हो गया है। नहीं, बेचारा ठीक करने वाला बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने अच्छे से इसको ठीक किया और बहुत ही प्यार से मतलब करके गया, और बहुत अच्छा लड़का था। मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों का जो डिलीवरी बॉय या कोई सर्विस मैन होता है, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है। पहले जैसा नहीं लगता, जैसे पहले के बच्चे होते थे ना, वैसे नहीं लगा मुझे, अच्छा सा लगा मुझे। अच्छा, अच्छे से ठीक करके गया बेचारा, कर गया। लेकिन आज वेडनेसडे है, तारीख आज 3 अगस्त, और मैं जा रही हूँ एक बार मेहरोली की तरफ। मेहरोली में जाके छोटा सा एक काम करने के लिए, कैनिक सोसाइटी थी जहाँ मैं पहले पैसे जमा करवाती थी, लेकिन 3 साल से अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था, ना तो जमा करवाया ना निकलवाया। तो वहाँ पर मैं अपने पैसे जो थे वो लेके चली गई थी पहले, और अब वहाँ पर कैफेटेरिया देना कि अपना खाता बंद करना, वो खाता बंद करवाने के लिए जा रही हूँ। पहले कोर्ट जाऊँगी कैफेटेरिया बनवाने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपना मेहरोली। मेहरोली से आने के बाद फिर मिलते हैं। पंजाबी वॉक वेस्ट खड़ी हूँ, और यहाँ से मुझे जाना है आईएनए से येलो लाइन पकड़ के फिर जाऊँगी मेहरोली, और उसके बाद अपना काम करके वापस लौटूंगी। देखती हूँ कहाँ तक जाती हूँ, कहाँ तक नहीं जाती। और आज मैं बड़ी कंफ्यूज हुई हूँ मेट्रो के मामले, मुझे नहीं पता पिंक लाइन कहाँ कहाँ से होती जाती है, कैसे जाती है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैंने किसी मेट्रो वाले से पूछा, तो उसने कहा कि ये आईएनए तक जाएगी, आईएनए से आपको येलो लाइन मिलेगी, वहाँ से आप मेहरोली जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं। मेहरोली स्टेशन है, मैं वहाँ उतर चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ, और वहाँ से मुझे भाई मतदास सोसाइटी को जाना है। देखते हैं मुझे कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती, देखती हूँ। चले मिलते हैं। तीन फुट की लड़की है, इससे अगर ऊंची होती है तो टिकट लगती है, अदरवाइज टिकट नहीं लगती। भाई मतदास से वापस आ चुकी हूँ, आज चेक नहीं किया है, और 20 तारीख के बाद बोल रहे मीटिंग होने वाली है, तभी वो चेक करेगा, अदरवाइज पता नहीं कितना परेशानी हो। कोई बात नहीं, चलो ये काम तो मुझे करना ही था, और चेक तो खैर दे देंगे बेचारे, बोल खुद रहे थे हेल्प करी उन्होंने, काफ़ी थी उन्होंने मुझे बोला कि हमको कोशिश करा दी, बात दोबारा आना नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसकी हेल्प मुझे वो भी काफ़ी होगी, और वापस जा रही हूँ ठीक है, क्योंकि घर तो जाना ही है, गुजारा ही नहीं होता, इसलिए जाना नहीं पड़ेगा। बट आज गर्मी है, आज घर से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था, और आते वक्त में कुतुब मीनार स्टेशन पर उतरी थी, और अभी मैं साकेत से चली वाली मेट्रो पर, और जब घर पहुँची फिर आप लोगों से बातें करती। चलो मिलते हैं। साकेत से मैंने मेट्रो पकड़ ली, अब मैं जाने वाली हूँ आईएनए से मुझे पिंक लाइन पकड़नी है। पिंक लाइन से मैं पंजाबी बाग वेस्ट जाऊंगी, पंजाबी बाग वेस्ट से मैं ग्रीन लाइन पकड़ के फिर नांगलू जाऊंगी, और नांगलू का टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम जाने में, काफ़ी दूर है नांगलू, नज़दीक नहीं है।
और नेहरू से मैं आ चुकी हूँ। नेहरू में काफ़ी सारा काम मेरे हो चुके हैं, तकरीबन हो गया। फिर आपको डिपॉजिट करा देंगे मेरा, मैंने अपना काफ़ी की है मैंने और मुझे अच्छा भी लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं मेट्रो में बैठ चुकी हूँ और मेट्रो से देखते हैं कितना टाइम लगता है कितने चलते। इस टाइम पर मेट्रो बिल्कुल खाली पड़ी, कोई भी नहीं बैठा, इक्का दुक्का बंदा बैठा है, कोई नहीं बैठा, बिल्कुल भी भीड़ नहीं, बिल्कुल खाली है सारी सीटें, कोई नहीं बैठा इधर, इधर बैठा ना कोई उधर बैठा। वो पीछे भी काफ़ी सारी खाली पड़ गई है, क्योंकि पता नहीं दोपहर के टाइम शायद लोगों का आना जाना कम होता, ऑफिस आवर्स भी ज़्यादा होता होगा, ऑफिस आवर्स से पिकिंग आवर्स में भीड़ होती होगी, लेकिन फिलहाल भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी खाली। बट मेट्रो में चलने का एक अलग ही मज़ा है, एसी होती है, गर्मी नहीं लगती है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेट्रो में सफ़र करके। स्कूटी में मुझे नहीं अच्छा लग रहा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ से बचने के लिए मेट्रो सबसे बेस्ट है, और गर्मी से बचने के लिए भी मेट्रो सबसे बेस्ट है। गर्मी से काफ़ी राहत है, इतनी राहत मिली कि बस पूछो मत। गर्मी में बुरा हाल था, ऑटो में बैठो तो बुरी हालत है, गाड़ियों में बैठो तो बुरी हालत है, या तो अपनी गाड़ी हो एसी या फिर मेट्रो सबसे बेस्ट लगते हैं। अपनी गाड़ी हो तो जाम में फंस जाते हैं और मेट्रो में जाम में नहीं फंसते। मेट्रो पार्क से बाहर निकल रही हूँ और नांगलोई पहुँच चुकी हूँ मैं, और मम्मी ने मुझे एक छोटा सा काम बोला था, मुझे लगा मैं अपनी मम्मी का काम भी साथ में करती हूँ चलूँ, इसलिए मम्मी का काम भी कर दिया और मैं घर पहुँचने वाली हूँ। घर पहुँचने के बाद फिर से मिलते हैं आपसे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। 5-7 मिनट तो लगेंगे, खैर मुझे इतना जल्दी नहीं चल पाती हूँ मैं, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है इसलिए। सारे काम निपटा कर मैं आ चुकी हूँ और मेहरोली भी जाके आ चुकी हूँ, मम्मी का काम भी करके आ चुकी हूँ, तो सारे काम हो गए मेरे और तकरीबन सारे हो गए। और अब मैं शांति से बैठी हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, पुराने संबंधों को दोबारा से नए करने की कोशिश में लगी हूँ, क्योंकि मैं अकेले बहुत बोर हो जाती तो मैं सबको बुलाने में लगी हूँ कि आ जाएं सब लोग तो मुझसे मिलने, मुझसे बात करने। किसी को पता नहीं कि मैं आ रही हूँ, सबको यही लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं, तो इसीलिए किसी को पता ही नहीं चल रहा। आज मैंने 2-4 लोगों को बिठा दिया, क्योंकि मैं विपश्यना करती हूँ, विपश्यना केंद्र में किसी को भी नहीं पता था कि मैं आ चुकी हूँ, तो अभी वो लोग आने के लिए तैयार हैं, मतलब एक्साइटेड हैं सारे के सारे, तो पूछ भी रहे थे कि कब जाना है बहन जी आपने वापस। मैंने कहा अभी नहीं जा रही, तुम लोगों से मिले बिना नहीं जाऊँगी, चिंता ना करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।